आरोग्य जागृति माध्यम से हम जनमानस को क्या सकारात्मक सुविधा दे पा रहे हैं और कैसे उन सुविधाओं को देते समय हमारे सामने अड़चनें आती हैं, उसके विषय में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आज लगभग 150 दिन हो जाएंगे कि कोरोना महामारी के संकट से हमारा शहर औरंगाबाद ग्रसित है। 7 मार्च 2020 पहला कोरोना पीड़ित औरंगाबाद शहर में मराठवाड़ा क्षेत्र में पाया गया और उस समय पर एक ऐसा माहौल था जहां कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई गाइडलाइंस नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था जिससे हम रोगियों का जो भी उपचार है उसके ऊपर निर्णय ले सकें। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहा, ये गाइडलाइंस बदलते रहे और नंबर भी कोरोना ग्रसित रोगियों का बढ़ता रहा। सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो भी हमें समय समय पर गाइडलाइंस मिले उसके अनुकूल हम सभी हॉस्पिटल्स अपना कार्य करते रहे। आज मराठवाड़ा हॉस्पिटल एसोसिएशन औरंगाबाद में, श्री नंदा दूत हॉस्पिटल, कमल नयन बजाज हॉस्पिटल, MGM हॉस्पिटल, हेडगेवार हॉस्पिटल, मानिक हॉस्पिटल, MIT हॉस्पिटल, सिग्मा हॉस्पिटल, जालना के विवेकानंद हॉस्पिटल, दीपक हॉस्पिटल, ऐसे सभी सदस्य आज हमारे साथ हैं। जो यहाँ उपस्थित नहीं दिख रहे हैं वह हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़े हैं और आज हम सभी के जो संदेश हैं उनको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा सत्र की शुरुआत करना चाहते हैं। एक बार पुनः मैं अपने साथी डॉक्टर शुएब हाशमी के साथ मराठवाड़ा हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई, इस महामारी का संक्रमण भारत में फैलना शुरू हुआ, तो उस समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार की वही स्थिति थी कि क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे रोगियों की संख्या बढ़ने लगी, जैसे जैसे उनकी जांच की पद्धति के माध्यम से नए नए नंबर आने लगे, वैसे वैसे सरकार का रुख भी बदलने लगा, नए नए मापदंड आने लगे, नए नए गाइडलाइंस आने लगे और एक फ्रेमवर्क जो आया सबसे पहला वह हमें 21 मई 2020 को मिला। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 21 मई 2020 को निकाला और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दिया गया कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए और हमारे ऊपर क्या क्या पाबंदियां हैं और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी गाइडलाइंस हैं वो हमें 21 मई 2020 को प्राप्त हुई। और उसके बाद हम सभी हॉस्पिटल्स ने, मराठवाड़ा हॉस्पिटल एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मीटिंग लिया, उस मीटिंग के माध्यम से चर्चा की और उसके बाद जो हमारा जिला प्रशासन है उससे संपर्क में आके हमने अपने पक्ष को रखा और सरकार के पक्ष को समझते हुए, उसके बाद हमें कलेक्टर औरंगाबाद की ओर से जो सर्कुलर आया उस पर भी हमने चर्चा की और एक मत बनाया कि ये महामारी के दौर में हमारी सर्वाधिक प्राथमिकता आने वाले रोगी को जल्दी से जल्दी रोग उपचार सेवा प्रदान करना, उसका मनोबल बनाए रखना और जो भी गाइडलाइंस हमें दिए जा रहे हैं
उसके अनुकूल उसका अनुसरण करते हुए हमने उनका उपचार करना होगा। और समय समय पर जो भी ऑर्डर्स हमको मिले, चाहे वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट कंट्रोसिस है, उसमें भी जटिलता बनी हुई। एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं ETI, जिसमें आप फोन करके पेशेंट के अप्रूवल ले सकते हैं और बाद में उसका उपचार आपको शुरू करना होता है। उसकी लिमिटेशन ये है कि आज आपने पेशेंट का अप्रूवल इमरजेंसी में लिया ETI के थ्रू, और कल अगर पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसका राशन कार्ड या उसकी जो भी उत्पन्न का प्रमाण है वो नहीं दे पाए, तो ऑटोमेटिकली वो अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है। और जब अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है, उस समय पर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो उस पैसे, उस रुग्ण की सेवा का पैसा कैसा लेगा। यानी सरकार ने हमें वहां पर भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी है। एक बार जो रोगी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसको यदि ये धारणा बन गई कि उसका तो पूरा खर्चा सरकार देने वाली है, और सरकार ने अगर रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद उसको ये बताना कि सरकार ने आपको मदद नहीं की है, ये एक बहुत मुश्किल भरा कार्य होता है। और अक्सर यहाँ पर हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में गैर समझ जागृत होती है। ऐसी जो स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं, इनकी वजह से भी आने वाले रोगियों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, ना कि हॉस्पिटल्स की वजह से। 21 मई 2020 को हमें सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर एक लिमिटेशन ला लिया गया। आपके जो भी कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनको या तो आप आइसोलेशन वार्ड में रख सकते हैं या आइसोलेशन वार्ड में ICU में रख सकते हैं विद वेंटिलेटरी सपोर्ट और विदाउट वेंटिलेटरी सपोर्ट। इसके लिए उन्होंने, सरकार ने पैसे भी निर्धारित कर दिए कि आप इससे अधिक प्रतिदिन चार्जेस नहीं ले सकते। अब यदि आप उसके आखिरी कॉलम में जाएंगे तो वहां पर सरकार ने लिख कर दिया है कि PPE नॉट इंक्लूडेड, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स नॉट इंक्लूडेड, कोविड टेस्टिंग नॉट इंक्लूडेड, हाई एंड ड्रग्स नॉट इंक्लूडेड, हाई एंड इन्वेस्टिगेशन नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि जो भी रेट पर डे का है उसमें ये चार्जेस के अलावा बाकी के चार्जेस लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें परमिशन है। ये गैर समझ बहुत बड़े स्तर पे सभी तरह से समाज में डाली गई कि हॉस्पिटल ने 4000 से 7000 से ज्यादा चार्जेस नहीं लेना चाहिए और सब काम उसी में करके देना चाहिए, जबकि वास्तविकता आपके सामने। और यही 21 मई 2020 के सर्कुलर को वापस से दो दिन पहले 31 अगस्त 2020 को रिवाइज कर दिया गया। रिवाइज करते समय यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने उसमें PPE का समावेश रखा है, लेकिन PPE के चार्जेस को निर्धारित कर दिया। तो ये PPE के चार्जेस तो ऑलरेडी जिलाधिकारी महोदय 3 महीने पहले निर्धारित कर चुके, यानी कि सर्कुलर ए और सर्कुलर बी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो इस तरह से ये सब चीजें आपके सामने लाने का मकसद यही था कि ये समझ में आए कि अगर किसी व्यक्ति को जीवनदायी आरोग्य योजना में उपचार नहीं मिल रहा है तो गलती किसकी है, रोगी की है, हॉस्पिटल की है या योजना के अंदर की कमियों की है। शुरू से आज तक 2012 से योजना प्रारंभ हुई है, 2012 से आज 2020 तक औरंगाबाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल, सभी वो हॉस्पिटल जिनमें जीवनदायी आरोग्य योजना चल रही है, अच्छे स्तर पे काम कर चुके हैं, अच्छे स्तर पर सभी हॉस्पिटल सहयोग कर रहे हैं। यहाँ महामारी के बीच में भी शहर औरंगाबाद के 3 बड़े हॉस्पिटल्स जिन्होंने काम करने से मना किया था योजना की खामियों को देखते हुए, 21 मई 2020 को स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेश जी टोपे की मौजूदगी में उनके आह्वान पर, उनके निवेदन पर वो तीनों हॉस्पिटल्स, भेटेवार हॉस्पिटल, MGM हॉस्पिटल, बजाज हॉस्पिटल ने सेवा के भाव से इस योजना में कार्य करने के लिए मंजूरी दे दी और अपनी पूरी फैसिलिटीज को उसके हिसाब से मुहैया कराए। लेकिन जो समस्याएं हमने उस दिन मंत्री महोदय के सामने रखी वह आज भी वैसी की वैसी हैं, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। यानी अर्थ क्या है कि सरकार की तरफ से जो भी कुछ रिक्वेस्ट आता है
उसको सभी हॉस्पिटल सभी डॉक्टर्स रेस्पेक्टफुली फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो भी निवेदन जाता है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर जब हम बातचीत करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं आता। यानी सब कुछ एक तरफा सा दिखता है, इसके बावजूद भी सभी हॉस्पिटल्स भली भांति आज भी सहयोग की भावना से सभी कार्य कर रहे हैं। आज किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो यंत्रणा लगती है उसे यदि हम सरकारी यंत्रणा से कंपेयर करें तो ये जीवनदायी आरोग्य योजना के पैकेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी वही है जो दूध हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब यदि आप इस स्थिति का आकलन करें कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बनाई है, यहाँ पे आने वाले सभी रिसोर्सेज गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ के पूरे स्टाफ की सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, और आने वाले योजना के पेशेंट का पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है, यानी उनको सब तरफ से पैसा आ रहा है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ योजना का पैसा आ रहा है, ना तो हमारे स्टाफ की तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है, ना हमारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट दे रही है, ना मेडिसिन गवर्नमेंट दे रही है, और ना कोई सुविधा गवर्नमेंट दे रही है। तो इन परिस्थितियों में दो हॉस्पिटल के बीच में ये भेदभाव कैसा? एक तरफ आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अच्छे से अच्छी सुविधा देना, एक तरफ आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने सभी मापदंड पे खरा उतर के काम करना, लेकिन ये भेदभाव बना हुआ है। यदि सरकार हमें उसी तरह से सपोर्ट करे तो हम भी इससे अधिक क्षमता से अपना कार्य कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है भारतवर्ष में आज कोरोना महामारी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का 75% योगदान है, 75%। आज औरंगाबाद शहर में लगभग 24,000 रोगियों में से 17,000 से 20,000 रोगी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से अच्छे हुए हैं। तो क्या हमारा हक नहीं है कि हमने अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखना और सरकार ने उनको सकारात्मक रूप से देखते हुए हमें सहयोग करना? यही कारण है कि हर आज हम आप लोगों के माध्यम से जो जनमानस में एक गैर समझ है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष को भी भली भांति समझा जाए। हर जगह सरकार ने अपने सेंटर्स जैसे कोविड केयर सेंटर, जैसे फीवर क्लिनिक, इनको प्रारंभ करने के लिए सरकार ने जगह जगह पर मुहिम छेड़ी। सरकार के पास स्टाफ नहीं था, सरकार ने क्या किया, दोगुना पैसे देकर स्टाफ लिया। वो स्टाफ गया कहां से? प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पर लग गया। हमारा स्टाफ कम हो गया, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस कम हो गए, उसकी मार भी हमारे ऊपर पड़ी। हर तरफ से यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स सफर करेंगे या उनके ऊपर दबाव आएगा तो गुणवत्ता कहां से बनेगी? काम करने की क्षमता एक आदमी की उतनी है जितनी वो काम कर सकता है। आज पीपी पहनकर 6 घंटे भी काम करना संभव नहीं है, और यदि उसमें मेरा 20% 25% स्टाफ छोड़कर चला जाए तो मैं किस तरह से काम करूंगा? मेरे काम करने की लिमिटेशंस बढ़ जाएंगी, और यही हमारे साथ हुआ। एपिडेमिक एक्ट ये है क्या? ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें कि सिर्फ दबाने का ही काम हो। ये एक्ट है सही दिशा में सही कदम उठाने के लिए करे गए उपायों के ऊपर कोई सरकारी कार्यवाही नहीं हो सकती, यानी लीगल एक्शन को आप रिपोज नहीं कर सकते। तीन पेज के एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो भी मन में आया वो कर सकते, और उसी के ऊपर उच्च न्यायालय ने कार्रवाई करके बताया कि कोई भी महानगर पालिका कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से कोई आदेश पारित करके वो सबके सब बेड उन कोरोना महामारी के रोगियों के लिए ही उपलब्ध थे जिनके लिए इन बेड्स की जरूरत थी। इन आदेशों के माध्यम से यह कंफर्म किया गया कि अरेंजमेंट ऐसा है या नहीं। हमारी ओर से सभी हॉस्पिटल्स ने औरंगाबाद शहर में या बाहर के जो भी इलाके हैं सभी जगह उनको हमने फॉलो किया है, और न केवल बेड रिजर्व किए हैं बल्कि जो गंभीर सुविधाओं वाले इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं उनको भी हमने उसी दृष्टिकोण से देखते हुए अपनी सभी सुविधाएं प्रदान की। हमें गाइडलाइन मिले
हमने उनको फॉलो किया। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया, राज्य सरकार के माध्यम से दिया, ICMR के माध्यम से दिया या जिला प्रशासन के माध्यम से दिया, हमने उनको सुचारू रूप से फॉलो किया। उसके बाद जैसे जैसे समय जाता रहा, इन अध्यादेशों में, इन सर्कुलर्स में, इन GRs में भी चेंजेस आने लगे, और ये चेंजेस के साथ साथ हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी बढ़ी, हमने सकारात्मक रूप से सभी हॉस्पिटल्स ने उसको स्वीकार किया और सतत कार्य करना आरंभ रखा। शुरुआत में सरकार ने 5 या 7 हॉस्पिटल्स को ही कोविड सुविधा के लिए नॉमिनेट किया, वो सभी हॉस्पिटल्स ने पूरी क्षमता के साथ सरकार का सहयोग किया। आज अगर हम महामारी में योजना की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसका अध्यादेश बहुत देर से मिला, और उस योजना में आज भी महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे दिखाती है, आप उसमें देखेंगे तो कोई भी पैकेज COVID-19 से शुरू नहीं होता है, COVID-19 पे खत्म नहीं होता। उन्होंने आज भी कोविड महामारी को किसी भी प्रकार से किसी भी पैकेज में दर्शाया नहीं है। उन्होंने क्रिटिकल केयर के पैकेजेस को हमें एडजस्ट करने को बोला कि आप इन पैकेजेस के आधार पर ये पेशेंट्स को लीजिए। हम आप सबको मालूम है कोविड महामारी में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, सिवियर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और क्रिटिकल पेशेंट है। इस योजना के अनुसार ये जितने भी क्रिटिकल केयर पैकेजेस के आपको सामने दिख रहे हैं, इन सब में मैक्सिमम जगह आप देखेंगे वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर, हर पैकेज में वेंटिलेटर का ही खुलासा किया गया। अभी गाइडलाइन देने वाली संस्था कहती है वेंटिलेटर सपोर्ट पर जाने का मतलब यह है जीवन को धक्का, क्योंकि वह एंड स्टेज है। वेंटिलेटर जैसी जो दूसरी सुविधाएं हैं, जैसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन्वेजिव वेंटिलेटर और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर में फर्क क्या है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर एक मास्क होता है, उसके थ्रू हम आपके चेहरे पर उसको लगा देते हैं और फुल प्रेशर ऑक्सीजन आपको दी जाती है। इन्वेजिव वेंटिलेटर मतलब एक नली आपके गले के थ्रू श्वास यंत्र को डाली जाती है और वहां से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को प्रेशराइज किया जाता है और वेरियस पैरामीटर्स को देखते हुए उसका अरेंजमेंट किया जाता है। कोरोना महामारी के 85% रुग्णों को वेंटिलेटर जो इन्वेजिव कैटेगरी का है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको आवश्यकता पड़ती है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की और एक नए प्रकार से ऑक्सीजन देने की, जिसको हम बोलते हैं हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन, क्योंकि इस बीमारी में सर्वाधिक तकलीफ जो है बॉडी का सेचुरेशन ड्रॉप होने की है। पूरा शरीर स्वस्थ दिखता है लेकिन सेचुरेशन ड्रॉप होता है, बिकॉज छाती पे जो लंग्स में जो उसका प्रभाव आता है उससे सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो सभी पैकेजेस में वेंटिलेटर 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 की बातचीत की गई है। तो यदि हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर को आप मान्यता नहीं देंगे, तो मॉडरेट सिवियर और क्रिटिकल इलनेस के पेशेंट को योजना का लाभ कैसे मिलेगा, ये संभव नहीं। माइल्ड सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक को आपका आदेश कहता है कि आपने उन्हें कोविड केयर सेंटर्स पे रखना चाहिए, आपने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना चाहिए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने से हमारे जो गंभीर परिस्थिति में आने वाले पेशेंट्स हैं उनके बेड रिजर्व हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हमारे लिए लिमिटेशन आई। और ये जो पैकेजेस हैं, ये पैकेजेस के बाद इसमें आरोग्य जागृति।